हे दे दिस मनीष एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेन यानी ह्यूमन ब्रेन के बारे में, बहुत ही बेहतरीन फैक्ट के बारे में। नंबर वन गाइस, अगर ह्यूमन ब्रेन से एमिग्डाला एक ह्यूमन ब्रेन का पार्ट है, अगर उसको निकाल दिया जाए तो इंसान से किसी भी चीज का डर खत्म हो जाएगा। यानी उसको आप 2 किलोमीटर के बिल्डिंग से गिराएं या फिर एक सीधा पर्वत से धक्का मार दे, उसको कुछ भी मतलब डर वर्क का एकदम खौफ ही निकल जाएगा। नंबर टू गाइस, हमारे ब्रेन में एक MDS यानी मिड ब्रेन डोपामिन सिस्टम होता है, जिससे अगर आपके में अगर होगा ये सिस्टम तो आपको जैसे कुछ भी चीज जैसे यूनिवर्स में हो रहा है उसके होने से पहले आपको पता चल जाएगा। और जिन लोगों का ये चीज यानी जो सिस्टम है ये मिड ब्रेन डोपामिन सिस्टम, ये जिन लोगों में विकसित यानी डेवलप होता है उन लोगों की जो भविष्यवाणी है वो सटीक होती है। स्पिरिचुअलिटी की भाषा में इसी को अंतर्ज्ञान भी कहा जाता है और साइंटिफिक टर्म में इसको मिड ब्रेन डोपामिन सिस्टम कहते हैं। नंबर थ्री गाइस, ये सवाल हमेशा से आपके मन में उठता हो गया, नहीं ये तो नहीं पता लेकिन मेरे मन में जरूर उठता था कि क्या हमारे जो ह्यूमन ब्रेन है क्या उसकी मेमोरी कभी कभी फेल हो सकती है या नहीं। लेकिन इसका जवाब ये है कि इंसान की जो मेमोरी होती है यानी जो ब्रेन होती है उसकी मेमोरी अनलिमिटेड होती है। हालांकि ये बात अलग है कि समय के साथ साथ कुछ कुछ चीजें भूलते जाते हैं जो ब्रेन है वो, लेकिन जैसे होता है ना कि याद दिलाने से याद आ जाता है, तो ये ठीक ब्रेन के साथ होता है। इसीलिए एग्जाम की तैयारी में जब हम करते हैं तो हमको रिविजन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो ब्रेन है वो समय के साथ साथ अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको भूलते जाते हैं। तो अब आप खुलकर जो मर्जी हो वो याद कर सकते हैं और ये आपके कंप्यूटर की तरफ भी नहीं बोले कि मेमोरीज फुल। नंबर फोर्थ गाइस, ह्यूमन का जो ब्रेन होता है वो कैसा भी साइज का हो या कैसा भी शेप का हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एग्जांपल के लिए देखते हैं तो एक एग्जांपल है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनका ब्रेन का वेट था 1230 ग्राम, जबकि एक एवरेज ह्यूमन का जो ब्रेन होता है वो होता है 1400 ग्राम्स का। यानी जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है उनका ब्रेन का वेट एक सामान्य व्यक्ति के ब्रेन से 170 ग्राम्स कम था। तो इससे आप देख सकते हैं कि ब्रेन के वेट के कम होने से या उसके शेप के डिफरेंट होने से उसकी जो शक्ति होती है यानी ब्रेन की जो लिमिटेशन होती है वो लिमिटेड नहीं होती। नंबर फिफ्थ गाइस, टीवी देखने से दिमाग इतना डल होता है कि क्या कहने। दरअसल सोने से भी जितना कम यानी सोना यानी स्लीप वाला सोना, सोने से भी जितना कम एनर्जी यूज होता है वो काम है टीवी देखना, वॉचिंग टीवी। टीवी देखने से होता क्या है कि जो ब्रेन की मतलब ब्रेन में कुछ एक्टिविटी होती नहीं, बस टीवी ऑन कर दो और देखते रहो। तो जो पेरेंट्स देख रहे हैं वो बिल्कुल ध्यान दें कि अपने बच्चों को टीवी से तो दूर ही रखें। बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं आप, बच्चों की जो ब्रेन है उसको डेवलप करने के आप उनको स्टोरीज सुना सकते हैं, फेरी टेल्स वगैरह वगैरह, और उनको बुक रीडिंग करा सकते हैं। इससे उनकी जो ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ेगी और इमेजिनेशन वो करेंगे और जिससे ब्रेन की ओवरऑल जो है ग्रोथ होगी। नंबर सिक्स गाइस, अगर हम हमारी ब्रेन को ये मना ले कि अब हमको अच्छी नींद आ गई है, मतलब अच्छी नींद हो गई है पूरी, तो जो ब्रेन है अगर उसको कम नींद भी मिली होगी फिर वो मान जाता है। नंबर सेवन गाइस, अगर हम एक ही बात को लगातार सोचते रहें तो क्या होता है कि हमारी जो ब्रेन होती है वो अपने सोचने समझने और डिसीजन मेकिंग की जो पावर है उसको खो देती है। नंबर एट गाइस, आप सोचते होंगे कि बचपन में हमको कुछ चीजें याद क्यों नहीं रहती, मतलब कि 2.5 साल 3 साल मतलब 4 साल से जनरली आपको 4 साल के बाद से जो याद रहना आपको शुरू हो जाता है, तो 4 साल के पहले आपको क्या होता है ये आपको याद नहीं रहता। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका उस समय हिप्पोकैम्पस, ब्रेन का एक पार्ट है हिप्पोकैम्पस, वो उस समय डेवलपिंग एज में रहता है, डेवलप नहीं हो रहता है, जिस वजह से जो हिप्पोकैम्पस है वो दरअसल जो चीजों को है याद करने में हेल्प करता है, पूरी जो चीजें होती हैं उनको वही याद रखते हैं हिप्पोकैम्पस। तो उस समय वो डेवलपिंग एज में रहता है जिस वजह से हम जो बच्चे रहते हैं तो हमको जो सारी जो चीजें होती हैं वो हमको नहीं याद रहती। नंबर नाइन, अगर किसी व्यक्ति ने ज्यादा ही शराब पी रखी हो एकदम वाली ज्यादा, तो उसको ऐसा नहीं कि उसको जो पुरानी बातें वो भूल जाएंगे। दरअसल शराब पीने से होता क्या है कि अब वो कुछ नई चीजें जो सीख नहीं पाएंगे,
अब उनका दिमाग एक तरह से मतलब कहा जाता है एक तरह से डल हो जाता है, जिस वजह से उनको पुरानी चीजें तो याद रहती लेकिन अब वो कुछ नया नहीं सीख पाते, ये होता है। इसीलिए टीवी के एड्स में और स्टार्टिंग होने से पहले ही साफ साफ लिखा रहता है ये। नंबर 10 गाइस, हम एक मिनट में 15 से 20 बार अपनी जो पलकें हैं वो झपकाते हैं, यानी हम ब्लिंकिंग करते हैं एक मिनट में 15 से 20 बार, यानी हम अगर एक दिन की बात करें तो हम 20,000 बार अपनी पलकों को झपकाते हैं। इसमें से जो स्लीपिंग का जो टाइम है उसका काट के बता रहे हैं कि 20,000 आप मतलब जब जगह रहते हैं उतना टाइम तब का, तो हम एक दिन में 20,000 बार पलकें झपकाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप एक बार अपनी पलक झपकाते हैं तो आप 0.06 सेकंड का समय लेते हैं, मतलब कि एक सेकंड का 16वां हिस्सा। तो अगर हम पूरे 20,000 का कैलकुलेट करें तो वो टोटल होता है 20 मिनट। तो आप एक दिन में 20 मिनट के लिए अंधे रहते हैं। हालांकि ये बात गलत है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है वो जब हम अपनी पलक ऐसे झपकाते हैं तो क्या होता है कि 0.06 सेकंड्स के लिए हमारी जो ब्रेन है वो उस इमेज को अपने अंदर बनाई रखती है, बनाए रखती है इन द सेंस कि अगर आप पलक झपकाते हैं तब भी आपकी वो जो सामने जो इमेज दिख रही है उसकी इमेज आपकी ब्रेन में कैप्चर ही रहती है। सो थैंक्स टू द ब्रेन जो कि हमें मतलब जो 20 मिनट का अंधा होने से बचाती है। आई होप आपको ये सारे फैक्ट्स अच्छे लगे होंगे। और इसी के साथ साथ एक बोनस फैक्ट ये है कि अगर आपको ब्रेन को अपनी ज्यादा एकदम शार्प करना है और अच्छे से करना है तो एक फास्ट एक ट्रिक है, ये है कि अगर आप एक ग्लास पानी पीते हैं तो आपकी जो ब्रेन है वो 14% ज्यादा फास्ट हो जाएगी। सो गाइस, बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इफ यू गाइस हैव एंजॉयड द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वेट गाइस, ये साल की आखिरी वीडियो है और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। तो आई होप आपको आपका ये साल अच्छा गया होगा, मेरा तो गया है अच्छा। तो बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। फिर गाइस एंजॉयड द वीडियो, बोल तो डाला है। अच्छा चलो ठीक है, गुड बाय।